अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपको अपने आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज मैं मौजूद हूँ मस्जिद मोहब्बत खान में, जो कि पेशावर के शहर में वाक़िया है। यह मस्जिद इतनी कदीम है कि इसको 1630 में बनाया गया था, और उसके बाद इसको एक बार 1898 में दोबारा रीन्यू किया गया था। अच्छा, इस मस्जिद को मुग़ल टाइम पर बनाया गया था, मुग़ल ज़माने में, और इस मस्जिद की तारीख बहुत ही पुरानी, ये बहुत ही कदीम मस्जिद है। इसी तरह मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ ये मस्जिद और इसका विजिट कराता हूँ। आप लोग मुझे अपना रिव्यू दीजिएगा कि आप लोगों को ये मस्जिद कैसी लगी और इस मस्जिद के बारे में आपके पास क्या क्या मालूमात हैं। और इसके बाद अगर कोई और ऐसी कदीम जगह जो कि आपके इलाके में हो या जिसके बारे में आपको मालूमात हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी विजिट करूँगा और उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री या व्लॉग बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम मस्जिद मोहब्बत खान के एक फर्द के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनका नाम है मोहम्मद अशरफ। ये यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, और इसके साथ हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मुझसे बेहतर आपको ये बता सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं और जानते हैं इनसे कि मस्जिद मोहब्बत खान की जो तारीख है, मस्जिद मोहब्बत खान की जो आमदोरफ्त है, और इसकी जो लोकेशन है, और इनके अपने बारे में कि इनका अपना यहाँ पर कितना टाइम हो गया और इनका यहाँ पर कैसा वक्त गुजरा, ये सब जानते हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। ये हमारी जगह है, यहाँ पे हमारे वालिद साहब हुआ करते थे, वो यहाँ पे कुरान मजीद का दर्स देते थे। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, वो यहाँ पे दर्स देता है, और हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे ही हैं। मस्जिद जो है, आप मस्जिद के बारे में पूछ रहे हैं, ये मुग़ल दौर की बनी हुई है और काफ़ी पुरानी। ये तकरीबन कोई 450 साल इसकी होंगी बनी हुई। आप अंदाज़ा लगा लें कि मुग़ल दौर से अब तक कितना टाइम हो चुका है। और मुग़ल दौर से मस्जिद में एक पेशावर के गवर्नर हुआ करते थे मस्जिद मोहब्बत खान साहब, जनरल मोहब्बत खान साहब, ये उन्होंने बनवाई थी। अच्छा, उनसे पहले सुनने में आया है कि यहाँ पे जब पेशावर में सिखों की गवर्नमेंट थी तो सिख इस मस्जिद के ऊपर काबिज थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना वो जो उनका ऑफिस होता है या जो कुछ होता है, उन्होंने इस मस्जिद को बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे दो बड़े बड़े मीनार है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। ये भी सुनने में आया है कि सिख जो होते थे वो अगर किसी को सजा देते थे तो मीनार, दोनों मीनारों के दरमियान उसको हैंग करके उसको फांसी देते थे। अच्छा, यहाँ पे लटका, हाँ, मीनारों के दरमियान में लटकाते थे। फिर उसके बाद सिखों से मुसलमानों के पास आ गई, और अब जो है जो रिसेंटली महकमा औकाफ के पास है, इसका जितना कंट्रोल है महकमा औकाफ के पास है, वो कर रही है। औकाफ के होते हुए साथ साथ अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पेशावर के, उन्होंने इसके ऊपर इसको रिनोवेट करने का काम शुरू किया हुआ है। जो हो गए हैं तकरीबन कोई इसको 6 से 7 साल हो गए हैं काम शुरू हो हुआ है। तो काफ़ी पुरानी मस्जिद है, ज़ईफ हो चुकी है अंदर से, और काम जारी है अभी। कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है। और इस मस्जिद में बहुत लोगों की आमदोरफ्त है। हर नमाज में ये मस्जिद फुल भरी होती है, माशाल्लाह। हर नमाज में कोई ऐसी नमाज नहीं है कि ये मस्जिद खाली हो। अच्छा, ये सिलसिला यहाँ पर सिर्फ रमजान में रहता है या नहीं? रमजान नहीं, रमजान के अलावा भी ये मस्जिद जो है ना, ऐसी जगह पे वाकई है ना कि बिल्कुल पेशावर का आप इसको दिल कह लें। इसमें एक साइड पे सड़क वाली साइड है जो ना सलेमा रोड जिसको कहते हैं, साथ ही एल आर एच हॉस्पिटल है। दूसरे इसके दो गेट है, वो अंदर शहर बाजार की तरफ है। अंदर शहर बाजार में भी इतने ज्यादा लोग हैं, मार्केटें हैं, जो ही अजान की आवाज सुनते हैं तो सब भी इधर से आ जाते हैं। यहाँ पे मकामी लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी इसको विजिट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जिस नमाज में भी आप देखें आपको काफी रश मिलेगा, विजिटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा।
अच्छा, यहाँ पर अभी मतलब रमजान चल रहा है, लोग इतकाफ वगैरह पर बैठे हुए जी हैं, जी तो उनकी यहाँ पे क्या तरतीबात होती ये इतकाफ के ऊपर यहाँ पे बैठी हुई है, लोग बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 20 बंदे होंगे। है? अच्छा, तो वो हर साल भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ इस मस्जिद में एक दफा आके बैठ जाते हैं ना, तो फिर कहीं और नहीं बैठते, फिर यहीं भी आते हैं, और काफी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर इस तरह कोई इफ्तार दस्तरखान का भी इंतजाम किया जाता है? इफ्तार दस्तरखान जो था वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 3-4 दस्तरखान हुआ करते थे, लेकिन वो कम होते 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 अब सिर्फ एक रह गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है कि मतलब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब हमें हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम पिशावर के लोग हम बहुत मेहमान नवाज होते हैं, जी, तो मीन्स हम ऐसी क्या चेंजेस आई हैं कि जिस वजह से हमें ये चीज बहुत कम नजर आ रही है? बस ये अब आप देख लेंगे, महंगाई एक तो बहुत ज्यादा है, लोगों की वो लोगों में इतनी वो पावर नहीं रही वो दस्तखान कर सके, तो इस वजह से ये चीज कम हो रहा तो आपको लगता है कि मीन्स हमें कुछ ना कुछ करके इस चीज को दोबारा है, करना होनी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सही है। और इस मस्जिद के बारे में मीन यहाँ पर जो इमाम साहिब हैं या जी यहाँ पर जो स्टाफ है, यहाँ का जी जो जी अमला है, तो उनकी जो वो तनख्वाहें वगैरह होती हैं वो सब कौन देखता है? वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जी तरफ से, गवर्नमेंट मतलब ये मस्जिद इस वक्त टोटली गवर्नमेंट के के कंट्रोल अंदर में? है। ठीक है। और एक वक्त में इस मस्जिद में मतलब कितने लोग कितने नमाजी आ सकते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा तो इसमें ये है कि 5,000 से ज्यादा लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। और ऊपर अगर छतों को छत खुल जाए और वहां पे भी लोग खड़े हों तो फिर 10,000 तक बात पहुंच जाती है। अच्छा, ईद के दिन में यहाँ का क्या? ईद के दिन जैसे और मस्जिदों में, जामिया मस्जिद में ईद की नमाजें होती है, यहाँ पे भी होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं बिल्कुल, और काफी लोग भी आम दिनों से ज्यादा ईद पे लोग जमा ईद होते पर हैं लोग यहाँ। जमा होते, काफी रश देखा जी जाता जी है यहाँ जी पर। अच्छा, ये जो तालाब सा बना हुआ है, जी इसके इसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो? ये शुरू का पुराना तालाब, जब मस्जिद बनी थी तो उसके साथ ये तालाब बना हुआ था, तो अब जो इसकी रिनोवेशन शुरू हुई है तो इसको दोबारा से बनाया जाएगा बनाया दोबारा? जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें थी हमारे पास मस्जिद मोहब्बत खान से रिलेटेड, मुझे इतना कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने इनसे जानना बेहतर समझा, मेरी भी मालूमात में इजाफा हुआ, इसी तरह आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा हुआ। खुदारा अपने इलाकों में, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आपके इलाके में जो मस्जिदें हैं, अपने मस्जिदों को आबाद करें, अपनी मस्जिदों में रोने के बखेरें, क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है ना कि जिसके बारे में कहा गया था कि एक फितने का दौर होगा, ये फितने का दौर है। हमने मस्जिदों की तरफ जाना छोड़ा हुआ है, हम ये बाकी चीजों की तरफ जाते हैं, हम दुनियावी कामों में बहुत ज्यादा लग चुके हैं। अगर हम उन दुनियावी कामों से हटके थोड़ा सा अपने अल्लाह की तरफ रुझू करेंगे, अपनी इबादत गाहों को देखेंगे, अपनी मस्जिदों को देखेंगे, तो पॉसिबल है कि ये जो हम पे अजाब आते हैं और ये जो हम दिन ब दिन मुसलमानों की अहमियत कम हो रही है, तो वो चीज़ दोबारा बढ़ने शुरू हो जाए। अगर हम इन्हीं चीज़ों की तरफ दोबारा अपना जो अपनी जहनीत है दोबारा इन चीज़ों की तरफ बनाएंगे, खुद को दोबारा इन चीज़ों के साथ इंगेज करना चाहेंगे, तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री की अभी दोबारा वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी, और वो वक्त दूर नहीं है कि फिर मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं। तो हमें सबसे पहले अपने, जिस तरह हमारा किबला है, हमारे किबला अव्वल है, तो उसी तरह बिल्कुल सेम हमारी मस्जिदें भी हमारे अल्लाह का घर है, और ये इसी तरह इसको इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री में मस्जिद है, उनको काफी ज्यादा रिनोवेटेड की जरूरत है, लेकिन लोग इन पे काम नहीं कर रहे। तो अगर कोई इदारा उस पर काम नहीं कर सकता, तो खुदारा आप, मैं, हम जैसे लोग उसके लिए कुछ ना कुछ चंदा इकट्ठा करके काम कर सकते हैं। तो अपने इलाकों में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी जो मस्जिदें हैं उनको रौनक रखें, उनमें जाया करें, नमाज अदा किया करें, इबादत किया करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्रिया।